मॉर्निंग विद फराह। तरफ है हर जगह तेरी अज़ा मौला, हर निशा में है दिखा तेरा निशा मौला। अर्जियां टूटे दिलों की सुन जरा मौला, तू वो जाने जो कहे ना दिल मेरा मौला। मौला तेरा करम है मुझ पे हुआ, मौला तेरी अता मैं चाहूं सदा। अर्जियां टूटे दिलों की सुन जरा मौला, तू हो जाने जो कहे ना दिल मेरा मौला। तू हो जाने जो कहे ना जी, है ना, वाओ, अमेजिंग। सो आज ये खूबसूरत सा म्यूज़िक हम शेयर करने लगे हैं पाकिस्तान के इन चंद टैलेंटेड नौजवानों का, जो बहुत प्रॉमिसिंग है, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत म्यूज़िक। सो आज का हमारा जो शो है उसमें हम इनके म्यूज़िक को और म्यूज़िक जर्नी को इंजॉय करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आपने भी आवाज़ सुनी सलमान रशीद की, अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। सलमान मुखलिस भी हैं और साथ साथ गिटारिस्ट भी हैं जी। सो ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू। और ये जो सॉन्ग है ये क्या था, मतलब ये आपका डेब्यू सॉन्ग है, ये आपकी पहली वीडियो है, ये क्या है? कह सकते हैं कि मेरा डेब्यू है, बिकॉज फर्स्ट मैंने यही सोचा था कि मैं ओरिजिनल्स में अपने कलाम से स्टार्ट करूँगा, तो ये हमने निकाला था रमजान में रिसेंटली। अच्छा, हमने इसको लॉन्च किया है। लॉन्च किया, यस। और सारी वीडियो बनाना और सब कुछ, सब आइडिया जी, जी। ये कहाँ पे शूट, कहाँ पे किया? ये हमने किया था वाकेंट में ही, फैसल हिल्स एक जगह है वहाँ पे। सही जी। सो ये खूबसूरत शूट हुआ है और आप लग भी बहुत अच्छे रहे हैं और आपने गाया भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, आपके साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े टैलेंटेड गिटारिस्ट मेरे साथ हैं, माजिद अख्तर। कैसे हैं माजिद? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। मैं बिल्कुल ज़बरदस्त। अभी मैं सुन रही थी आप लोगों की जैमिंग, तो आप उसमें कोई नए नए वो कर रहे होते हो जैमिंग के साथ भी। हाँ, सो वेलकम इन शो। और आपके साथ अब्दुल्ला नज़ीर हैं, और मुझे उन्होंने बताया दरबुका बजाते हैं। कोई एक नाम और भी था इसका, क्या नाम? जैम्बे। जैम्बे, जैम्बे। तो दरबुका और जैम्बे, ये दोनों मुख्तलिफ नाम लग रहे हैं। लैंग्वेजेस डिफरेंट है। अच्छा, डिफरेंट है एरिया के हिसाब से होता है। टर्किश जैम्बे अलग होता है, अरेबिक जैम्बे अलग होता है। तो ये कौन सा है? ये जो है टर्किश है। ये टर्किश जैम्बे है। yes. और अरेबिक जो है वो इसी तरह की कोई चीज होगी। अरेबिक भी इतना होता है, बट साइज में थोड़ा सा जो है ना, साइज का फर्क होता है थोड़ा सा। बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल्ला, ये इतना डिफरेंस है, इंस्ट्रूमेंट कैसे पिक किया? अच्छा, ये बहुत लंबी स्टोरी है। ये असल में स्टार्टिंग में जब स्कूल डेज में होते थे, हम तो डेस्क बजाना ये वाला काम करते थे हम। सबने किया हुआ है। तो डेस्क बजाने वाले काम से स्टार्ट हुआ, उसके बाद प्रॉपर जो रिदम सेंस जो है वो तो बंदे के अंदर खुद होती है ना। हाँ। वो तो बचपन में से बंदे के अंदर खुद एक रिदम सेंस होती है। हाँ। तो डेस्क बजाने से स्टार्ट लिया, फिर बर्तन बजाने से स्टार्ट लिया, घरों में बर्तन बजाना। उसके बाद फिर मैंने कहा म्यूज़िक में आते, फिर म्यूज़िक में प्रॉपर हमने फिर एक कहान बजाना सीखा। कहान एक इंस्ट्रूमेंट है, स्पेनिश इंस्ट्रूमेंट है, कहान नाम है उसका। और उसके बाद फिर दरबुका पे आए, फिर अब ड्रम्स पे आए, तब रिदमिक जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे प्ले कर लेता हूँ, सारे प्ले कर लेते। अच्छा, लेकिन इसके साथ कहाँ से मिला, इसको लर्न करना भी मुश्किल होगा? इसके जैम्बे का जैम्बे तो खुद ही सीखा है। खुद ही सीखी, ये बीट सारी खुद ही सीखी मैंने। अच्छा, वो कहते हैं ना कि सीखने के लिए गुड लिसनर होना ज़रूरी है, तो बस लिसनिंग अच्छी थी, बाकी सब कुछ खुद। वाह जी वाह, क्या बात है। लिसनिंग तो मेरा ख्याल है मेरी भी बड़ी अच्छी है, मजाल है जो मुझे कोई एक तार वो आ जाए या कुछ। आपने ट्राई भी नहीं किया होगा ना? नहीं, मैं ट्राई कर भी लूँ तो भी माशाल्लाह, मतलब मैं कमाल करती हूँ उसमें। अच्छा, लेकिन आपकी भी स्टोरी माजिद बड़ी दिलचस्प है जी, कि वाले साहब जो हैं वो ज़रा कलाम पढ़ने की तरफ जी, जी, हैं, लेकिन आपने गिटार तो घर में तो बड़ी मार पड़ी होगी शुरू में। नहीं, मार नहीं पड़ी। हाँ, बस ये कहते थे कि डिसहार्ड ना हो जाए कहीं पर जाके। अच्छा, किसी जगह, बिकॉज म्यूजिक का स्कोप जो है ना पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। मुझे तकरीबन इंडस्ट्री में, मुझे मतलब प्रॉपर फील्ड में काम करते हुए ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं गाते हुए प्रोफेशनली, बट उस तरह से अगर मैं फेमस नहीं हो पाया देन क्या कह सकते हैं। फेमस होना जो है ना, ये एक बड़े हमारे यहाँ पे फ्लूक की बात है ना। मतलब इट्स नॉट, देयर इज नो क्राइटेरिया कि आप एक्सीलेंस है या आप अच्छा काम करते हैं तो आप फेमस भी हो जाएंगे। एक्चुअली हमारी जितने भी व्यूवर्स हैं और जितनी ऑडियंस है ना हमारी, उन सब की रिक्वायरमेंट है एंटरटेनमेंट की।
एंड आई एम नॉट एन एंटरटेनर देन व्हाट आर यू आई एम अ म्यूजिशियन ओके इन दोनों में फर्क है कोई जी म्यूजिक और एंटरटेनमेंट दोनों अलग चीजें हैं अच्छा जी बहुत अलग चीजें हैं कैसे म्यूजिशियन क्या होता है म्यूजिशियन मैं आपको बताता हूं देखिए गाना गाने वाला म्यूजिशियन नहीं है और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला म्यूजिशियन नहीं है म्यूजिशियन वो है जो म्यूजिक की लैंग्वेज को समझता हो ठीक है और अपनी जो फीलिंग्स है ना उसकी उनको एक्सप्रेस करने के लिए म्यूजिक की लैंग्वेज का यूज करे दैट्स कॉल्ड म्यूजिशियन ठीक है और एंटरटेनर जो हमेशा दूसरों के लिए करता है अच्छा वो एंटरटेनर है तो आपने आपको जो पता है इस फॉर्मूले का तो फिर अपना लेने में क्या हर्ज है जब पता नहीं है? एक दो बार ट्राई किया मैंने बट उस तरह से रिस्पांस नहीं आया रिस्पांस टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा नहीं आया रिस्पांस उस तरह से चले कोई बात नहीं इट्स नेवर नेवर लेट आपको कभी नहीं पता होता कि कब आप क्लिक कर जाएंगे कब म्यूजिक म्यूजिक को लेकर ना मेरी टोटली फील जो है वो डिवाइन है फ्रॉम द फर्स्ट डे जब मैंने स्टार्ट किया था सीखना आई वाज 4 जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था और ये कैसे शुरू कर लिया था मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो कव्वाल थे अच्छा तो मैं बचपन में रोता था तो अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि हमने बाहर जाना है खेलने मैं बाहर खेलने के लिए जाने लगता था तो उनकी चारपाई पड़ी हुई होती थी दरवाजे के सामने तो मैं उसके नीचे से छुप के जाने लगता था बाहर तो उनके पास ना एक स्टिक थी जो मतलब बुजुर्ग पकड़ के चलते हैं वो मुझे ना यहाँ पे कॉलर में डाल के खींचते थे मैं रोने लग जाता था और फिर ना जब मैं रो रहा होता था पास बिठा के ना तो फिर मेरी दादी अम्मी को कहते थे कि हारमोनियम लेकर आओ हारमोनियम लेकर आती थी वो तो मुझे कहते थे और ऊंचा रहो मजा नहीं आ रहा और ऊंचा रहो मजा नहीं आ रहा स्केल तेरा मैनेज नहीं हो रहा तो मतलब मुझे इस तरह से करते करते उन्होंने बातों बातों में या मजाक मजाक में और मेरी हैबिट्स को देखते हुए उन्होंने मुझे तरीके से सिखा दिया और मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि मैं किस तरह से सीखाऊँ अच्छा या और बस बहुत ही ना एक डिफरेंट सी वाइब मुझे इसीलिए म्यूजिक को लेकर ना बहुत डिफरेंट वाइब आती है बिकॉज वो मेरी डेली रूटीन में ना मुझे हर चीज़ में म्यूजिक मिलता है इवन अक्सर होता है ना कि जब आप अकेले बैठे हुए होते हैं या रात को सोने लगते हैं लेटते हैं तो उस टाइम पे आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है ठीक है तो मुझे हार्ट बीट सुनाई देती है अपनी तो मैं उस पर फिर रिदम प्ले करना शुरू कर दूंगा या फिर उठूंगा फौरन से कीबोर्ड ऑन किया कीबोर्ड पे बैठ गया या गिटार तो हार्ट बीट के साथ मैं इस पे स्केलिंग्स प्ले करने लग जाता हूँ तो मतलब इस तरह से बिल्ट इन जिसे कहते हैं हाँ मैंने अभी आपकी जैमिंग में देख रही थी कि आप जो नोट्स और जो वो ले रहे थे जी जी वो बड़ी डिफरेंट थी बड़ी ज़बरदस्त थी अच्छा सलमान आपकी क्या कहानी है मेरी कहानी काफ़ी लंबी है कॉम्प्लिकेटेड है बहुत बिकॉज मेरी फैमिली इतना सपोर्टिव नहीं थी स्टार्टिंग में और शौक तो मुझे म्यूज़िक का बचपन से था कि 2-3 क्लासेस क्लास में भी मुझे क्लास से बाहर निकाल देते थे इस वजह से कि मैं सिंगिंग कर रहा हूँ क्लास में अच्छा तो उस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं तो बहुत शाही से बच्चा हो लगता तो है इससे कभी किसी को तंग नहीं किया होगा है ना हाँ शरीफ सा बच्चा एक बच्चा होता है ना शरीफ सा मासूम सा कह सकते हैं हाँ कह सकते हैं तो क्लास में गाना गाने वाला तो बिल्कुल नहीं लगता नहीं नहीं कि मैम ने उधर को मुंह किया हुआ तो पीछे से पता चले गाने की आवाज़ आ रही है मुड़ गई कौन गा रहा था वो गाना भी ऐसा था मैम ने निकाल नहीं था उस टाइम पे वो गाना नया नया आया था लारी अड्डा तेरे मेरे अच्छा, के बीच में मैं उस टाइम वो गा रहा था मैम ने बाहर निकाल दिया फिर ऐसा ऐसा मुझे शौक आता रहा मैं वही जो अब्दुल्ला ने बात की कि लिसनिंग बहुत मैटर करती है तो लिसनिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया मैं पर्सनली चाहता था कि मेरा कोई उस्ताद हो कोई टीचर हो जिससे मैं सीखूँ बट फैमिली की तरफ से इतनी सपोर्ट नहीं थी मैं अकेला बैठ के बस लिसनिंग करके गा के तो वैसे ही अपनी वॉइस को जितना मैं ट्यून कर सकता था मैंने किया गिटार सीखने की बारी आई घर वालों जिद करके पहला गिटार तो लिया पर घर वालों ने कहा कि खुद अब लेके दे दिए अब इसको संभालो जो करना है इसके साथ करो तो फिर यूट्यूब से देख के लेक्चर्स देख के लेसन्स देख के फिर वहाँ से थोड़ा बहुत गिटार सीखा और जब यूनिवर्सिटी में आया तो उसको थोड़ा और प्रोफेशनली वे में परफॉर्मेंसेस करना इवेंट्स करना तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है जितना आप इस चीज़ में घुसो जितना आप इस चीज़ में एक्सपीरियंस जितना करो तो उतनी चीज़ आपकी हेल्प करती है तो बस अभी ये है कि इवेंट्स करते हैं हम इवेंट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं उस चीज़ से बंदे में करेज बहुत आती है तो उस चीज़ ने बड़ा हेल्प किया इस जर्नी में अरे कितना मुझे ना मुझे बहुत दुख होता है जब मैं इस तरह की बातें सुनती हूँ आप लोग कहीं किसी दूसरे मुल्क में होते तो बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ भी होती हैं स्कॉलरशिप्स भी होते कोई मसला ही नहीं था जो मर्जी आप सीखना चाहें जो मर्जी आप करना चाहें हमारे यहाँ कितना टैलेंट वेस्ट हो जाता है बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में म्यूज़िक का तो बहुत टैलेंट है लेकिन उस तरह जो कहते हैं ना कि कदर नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी जितनी अदर कंट्रीज में
इतनी क्या मतलब, बिल्कुल भी कदर नहीं है। बिल्कुल नहीं, बेहतरीन सिंगर जो बड़ा फेवरेट गाना सुन रहे होते हैं और बातें उसके बारे में ऐसी ऐसी कर रहे होते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। हमारे यहाँ पे एक फैक्ट है ना कि हमारे जो सिंगर्स भी हैं उनको भी पॉइंट आउट करूँगा लाजमी कि हम लोग कदर एक चीज़ को समझने लग जाते हैं कि क्या कोई बंदा सामने खड़ा होकर हमें सुनता है, वो दो तालियां बजाएगा खड़ा होकर, यार तुम बहुत अच्छा गाते हो, ये वो फलां फलां, अपना नंबर दे दो तुम्हें इवेंट पे बुलाएंगे, दैट्स इट। ये हम इस चीज को हम कदर समझते हैं, हालांकि ये कदर नहीं है। कदर क्या है फिर? कदर बहुत डिफरेंट चीज है। कदर जो है ना उसका रूहानियत से ताल्लुक होता है। कदर का इज्जत करो, दिल से करो, दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, मनाने के लिए। अच्छा, और एक साइकोलॉजिस्ट का एक बड़ा जबरदस्त सा क्राइटेरिया है, और मुझे वो क्राइटेरिया पहले, मैं भी बड़ी बचपन में जब आप लोगों की एज में जज्बाती होता है बंदा, इमोशनल होता है, पता नहीं कौन कौन सी मिथ्स और फिलोसफीज को मानता है तो एक बात उन्होंने कही थी, और वो कही थी कि एक क्राइटेरिया है सिर्फ दुनिया का, कोई आपकी कदर करता है, कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपको वैल्यू करता है, स्पेंड कितना करता है आप पे। अगर वो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है लेकिन पैसे आपको 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है, तो उस बंदे से कह दें थैंक यू वेरी मच और मुँह दूसरी तरफ को कर लें। इसलिए कि जो बंदा आपको वाकई रिस्पेक्ट एंड वैल्यू करेगा वो आपको पैसों में भी अकोमोडेट करेगा। एक और ये इशू है, सबसे बड़ा टॉपिक है ये, एक और इशू है यहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक है डिस्कशन करने वाला। हमारे ना जितने भी हमें लाइक रैंडम भी कोई भी बंदा मिलता है ना, तो उनकी सबसे पहली कोशिश होती है कि यार किसी तरह ना इस बंदे के क्लोज हो जाए, ये सिंगर है इसके क्लोज हो जाते हैं। क्यों? उसका अपना बेनिफिट है इसमें, क्या कि मेरा कोई फैमिली इवेंट होगा इनको मैं बुला लूंगा, फ्री में परफॉर्म करेंगे आगे। म्यूजिशियंस है, म्यूजिशियंस को सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, पैसे नहीं। भाई पैसे क्यों नहीं चाहिए? हम लोग कमाने के लिए निकले हैं घर से। बिल्कुल। पैसे भी चाहिए होते हैं, पैसे भी चाहिए होते हैं, पैसे बिल्कुल, पैसे भी रिस्पेक्ट के साथ साथ पैसे भी। नहीं, मैं तो इस चीज की कायल हो गई हूँ कि वही बात जो मैंने आपको कह दिया कि जो आपको पैसे दे रहा है, आप देखें जो हमारे हाईली पेड आर्टिस्ट हैं, बातें उनके बारे में क्या क्या नहीं होती। बिल्कुल, कौन है जिसकी आपने कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना सुनी, और कॉमेंट्स सुने आप लोगों के और तबसरे सुने, और लेकिन आप उन्हें बुलाना चाहेंगे तो वो कहेंगे भाई इतने पैसे रखेंगे ना तो फिर हम आएंगे। और मजे की बात, जो लोग बातें करते हैं वही बाद में टिकट परचेस करके जाते हैं सुनने के लिए। सुनने के लिए ये होता है। इसलिए यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर, जैसे कहना चाहिए, फी, जो आपकी वो चार्जिंग है ना वहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग नहीं तैयार होते। हमारे यहाँ पे जो इवेंट्स हो रहे होते हैं ना पाकिस्तान में मोस्टली, उन्होंने दो कैटेगरीज बना दी है, ये बड़े आर्टिस्ट हैं तो ये छोटे आर्टिस्ट। हाँ, ये लोकल आर्टिस्ट हैं, ये लोकल आर्टिस्ट हैं, इनको फिलर्स का नाम दे दो और ये बड़े आर्टिस्ट हैं। मतलब बड़े आर्टिस्ट को तो वो आई गेस लाखों में पे करते हैं, जब छोटे आर्टिस्ट की बात आती है तो वो ये भी नहीं देखते कि अगर आपने इतने बड़े इवेंट पे परफॉर्म करना है तो आपने रिहर्सल्स करनी है, आपकी जो आने जाने का जो भी एक्सपेंस होता है वो सब लगता है, तो ये नहीं इतना बहुत अकोमोडेट कर दिया जाए। बट नहीं करते, और उनको अजीब सा ना ट्रीट करते हैं। अनफॉर्चुनेट, यस दिस इज ट्रू, मैंने खुद देखा है बहुत सारा। और जब तक दूसरा आर्टिस्ट आ नहीं रहा मेन, जिसको पैसे दे के बुलाए हुए, वो फिलर के तौर पे तुम गाते रहो हाँ, ताकि जो है ना वो वहाँ पे लोगों को ना पता चले। इवेंट से पहले कहते हैं आपके पास 15 मिनट है, जब 15 मिनट हो जाते हैं ना, आर्टिस्ट नहीं आया तो कहते गाते रहो, तुम्हारा स्टेज है, गाते रहो, बड़ा मजा आ रहा है, ऑडियंस खुश हो रही है, तुम गाते रहो। सो ये इश्यूज आई एम फेमिलियर विद दिस, क्योंकि हम भी इवेंट्स कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, लेकिन पता है दिल दुखता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये अनफॉर्चुनेट है और ये बहुत गलत बात है। लेकिन मैं तो सुन लिया ड्राइविंग, तो मैं तो इससे तसल्ली में बैठी हूँ, व्यूअर को तो कुछ सुनाएंगे ना हम, कि उन्हें पता चले कि करते क्या है। मेरा ख्याल है जो जैमिंग म्यूजिक प्ले कर रहे थे पहले, तो वही प्ले कर रहे हैं जिसको सुन के मुझे बड़ा मजा आया। ये अभी जब अपना ट्यून कर रहे थे, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आपस में अलाइन कर रहे थे, तो ये एक प्ले कर रहे थे, एक जनरल सा रिदम, सो वही मेरा ख्याल है वही थोड़ा सा प्ले करते हैं। Thank you.
बिल्कुल भाई, वाह जी वाह। अच्छा, मिलके प्ले करते हैं या अलग अलग प्ले करते हैं? सोलो भी हैं या ग्रुप भी? सोलो भी करते हैं, मिलके भी करते हैं, बिकॉज कुछ इवेंट्स आ जाते हैं ना ऐसे जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि मतलब एक से ज़्यादा सिंगर चाहिए, तो वहाँ पे बेशक सुलेमान के पास इवेंट है, मेरे पास है या अब्दुल्ला के पास है, तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सोलो सोलो भी परफॉर्म करते हैं अलग, तो फिर वहाँ पे फिर आप बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बाकी जो म्यूजिशियंस हैं उसके पूरा बैंड होता है, पूरा बैंड होता है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे और इन अपने टैलेंटेड म्यूजिशियंस का आपके साथ खूबसूरत सा म्यूजिक शेयर करेंगे।